कौन थे वो लोग? यस मार्शल हियर। सर, दाईं तरफ आई रेलवे लाइन पर एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई है जिसमें दो माल डिब्बे अटैच्ड हैं, और हमने चेक किया तो उन माल डिब्बों में वाकई आरडीएक्स की गोलियां मिली हैं। सर, मैं जानता था। खैर, तुम उन पर सख्त निगरानी रखो, मैं पहुंचता हूं। वो क्या हुआ सर? क्योंकि वो हम लोग बिहारी का देख कर रहे थे ना, तो उसमें पुलिस का इंक्वायरी आ गया तो हमको सामान छोड़ के भागना पड़ा साहब। आया नहीं, आ जाएगा। वो क्या कहते हैं उसे हिंदी में, वक्त से पहले ब्लास्ट ना किए तो। आदमी पकड़ा गया? नो सर, शायद उन्हें हमारी भनक पड़ गई थी इसलिए उन्हें माल छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन सर, आपको कैसे मालूम हुआ कि आरडीएक्स यहीं मिलेगा? सब कुछ क्रॉसवर्ड पजल की तरह होता है, बस एक कड़ी मिलने की देर होती है, फिर दूसरी मिलती है, फिर तीसरी, और आदमी जवाब तक पहुंच जाता है। रेलवे स्टेशनों पर तोड़ फोड़ करके ट्रेन सर्विस को जैम करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, गाड़ी मनचाही जगह पर रोकी जा सके और अपना माल बेखटके उतारा जा सके। लेकिन सर, रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ करना कोई आसान काम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक उन लोगों से मिली हुई होती है? पब्लिक कभी ऐसे कामों में हिस्सा नहीं लेना चाहती। इट्स कॉल्ड मॉब साइकोलॉजी, भीड़ की मनस्थिति। भीड़ एक भेड़ की तरह होती है जिसे किसी भी दिशा में हांका जा सकता है। पब्लिक पहले से अपने प्रॉब्लम्स में घिरी रहती है, जिसका फायदा उठाकर चंद लोग अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं उन्हें उत्तेजित करके। बाय द वे, पिछले राइड्स के बाद हर स्टेशनों पर वीडियो कैमरा लगाने को कहा गया था। मैं समझता हूँ कि लगा दिए गए होंगे। जी सर। इस राइड का मुझे वीडियो कैसे चाहिए? बी केयरफुल, ये टाइम बम है। अलर्ट द पुलिस। अलर्ट, ये टाइम बम है। चल डिफ्यूज कर, कर डिफ्यूज। अच्छी तरह जानता है कि माल किसका है। देख रघु, यह आदमी का जिस्म है। जितनी तकलीफ तू झेल सकता है उसे ज्यादा तकलीफ तुझे दी जा सकती है।
मार्शल, मुझे लगता है कि सच बोल रहा है। इसे इतना टॉर्चर किया गया फिर भी एसीपी, लोहे की सलाख को सीधा करने के लिए ताकत के अलावा कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। लगता है हमें वही करना पड़ेगा। सीधा तो इसे मैंने भी कर दिया है। इसने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया है, लेकिन यह नहीं बताता कि इसने किसके कहने पर यह जुर्म किया है। हो सकता है ये सच कह रहा हो। बहरहाल हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है एसीपी, इसीलिए इसके पीछे पड़े रहने से बेहतर है कि हम किसी और दिशा की तरफ बढ़कर देखें। हाँ, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई क्लू भी तो नहीं है। एसीपी है, स्टेशनों पर हुए राइड्स की मैंने वीडियो कैसेट मंगवाई थी। आ गई क्या वो? आ गई। गिव इट टू मी प्लीज, आई वुड लाइक टू स्टडी दैट। ऑलराइट। इंस्पेक्टर गौतम, तुमने एक चीज नोटिस की। कौन सी सर? देखो, मैं रिवाइंड करता हूं, फिर से देखो, ध्यान से देखो। ये आदमी जिसने पत्थर फेंका है, ये उसी गैंग का लगता है जिसका हाथ इस वारदात में है। पत्थर फेंकते वक्त उसकी जेब से ताश के पत्ते गिरे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक पहुंचा हुआ जुआरी है। ये आदमी कभी तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरा है? ध्यान से देखो। हाँ मार्शल, याद आया, पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम ब्लैक लिस्ट में है। इसके सारे धंधे ही उल्टे हैं। पिछली बार इसको जुए खाने से पकड़ा था। कौन से जुए? घर से कोल्ड डोंगरी। ओल्ड डोंगरी, नो लिमिट, नो लिमिट। बच्चे, नो लिमिट में वही जीतता है जो सबसे ज्यादा बाजी चलता है और जिसके पास सबसे ज्यादा माल होता है। और आज ऊपर वाले की दया से भल्ला के पास माल की कोई कमी नहीं है। आयो कोई माइकल आज नो लिमिट खेलने वाला। खेलता है क्या नो लिमिट? खेलेगा, मगर पहला बाजी हमारा।
चल ठीक है, माल निकाल। ठीक है, पहले हमारा पत्थर आता है और बाद में हमारा माल आता है। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, ये अपुन का खेलने का स्टाइल है मैन, स्टाइल। हम जीता तो तुम इस पिस्तौल से अपने को गोली मारेगा, अगर तुम जीता तो हम इस पिस्तौल से अपन को गोली मारेगा। चल पत्ता बांट बांट। पागल हो गया क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। ए, हम जिंदगी से कम का कोई बाजी नहीं लगाता मैन। चल उठा पत्ते और बांट बांट। ये कोई खेल थोड़ी ना है। ए, तुम बोला नो लिमिट, नो लिमिट में सब कुछ चलता है। चल उठाओ पत्ते वरना मैं पिस्तौल उठाता हूं। बट तेरी मौत निश्चित, डिसाइडेड। ये कौन खोलेगा? मैं खोलता है ना, खोलता है। इसमें क्या? एक भाषा है, दूसरा भाषा, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। तीन भाषा चीटिंग है, बेईमानी है ये तो। तुम्हीं पत्ता बांटा और तुम्हीं बोलता है बेईमानी है। अगर बेईमानी है तो तुम्हीं ने बेईमानी की है। चलो ये लो पिस्तौल और मारो अपने आप को गोली। ये चीटिंग है, ये बेईमानी, तुम पागल हो गए हो। ये तीन दुग्गी मिलकर क्या बनता है? और हम समझते हैं कि तुम वो नहीं बनना चाहता। चल ले पिस्तौल और मार गोली अपने आप को। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, और मेरी जान लेकर तुम्हें मिलेगा क्या? तुम्हारी अपनी जान कितनी कीमती है ना? इस माल के लिए तुमने कितनी बेगुनाह जानों की बाजी लगा दी और अपनी जान के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार हो गए। मेरी तुम्हारे से क्या दुश्मनी? मेरी जान की क्यों पड़े हो? मुझे छोड़ दो, एक मेहरबानी कर दो भाई, मेहरबानी कर दो। मेहरबानी? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो? एक शर्त पर छोड़ सकता होगा। तुम ये बता दो कि स्टेशन पर तोड़ फोड़ करने की सुपारी तुम्हें किसने दी? सुपारी? मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं समझा ही नहीं। नहीं समझे? अभी समझाता हूँ। समझ में आ गया है या और कुछ समझाने की जरूरत है? मार्शल साहब, उस आदमी को मैं नहीं जानता। उस आदमी के दाढ़ी और मूछ और वो काला चश्मा लगाता था, और उसने मेरा कर्जा चुकाया था। उसके बदले में उसने मुझे ये काम बताया, स्टेशन पर ऐसा लफड़ा कर भवाल हो जाए। अगर वो आदमी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे पहचान जाओगे? वो हमेशा मुझे अंधेरे में मिलता था, शक्ल पहचाना नामुमकिन है मार्शल साहब। उसकी कोई खास बात बताओ, कोई नाम, कोई निशान, कोई पहचान, कोई खास आदत जो तुमने देखी हो, जिसको तुम्हें अजीब लगी हो। ऐसा कोई याद नहीं है मार्शल साहब। याद है, वो जब भी मिलता था हमेशा
एक बात बता था, क्या कहते हिंदी में, और हिंदी में नहीं बोलता था, अंग्रेजी में बोलता था। जैसे कि वो उसका तकिया, तकिया कलाम, तकिया कलाम। हाँ, वही वही बोलता था। क्या कहते हैं हिंदी में, सीक्रेट रखना। बस मुझे था, बस और कुछ नहीं मालूम अर्जुन साहब। थैंक यू मार्शल। इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन में किसी आदमी को ढूंढना, वो भी इतने बड़े शहर में, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मार्शल के लिए कोई काम मुश्किल तो जरूर हो सकता है, मगर नामुमकिन नहीं एसीपी। वैसे भी आसान काम करना हमें पसंद नहीं। हाँ, लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे? एक बात याद रखना एसीपी, मुजरिम की हालत उस मरे हुए बदबूदार चूहे की तरह होती है, जो चाहे कितनी ही गहराई में क्यों ना हो, उसकी बदबू कानून तक पहुंच ही जाती है। डोंट वरी, वी विल कैच इट। ए हवालदारे, कॉलर को हाथ मत लगाना, बोल देता है तेरे को। मालूम है किसका बेटा हूं, कौन है मेरा बाप? अरे होगा तो किसी लखपति की औलाद, सड़क तेरे बाप की तो नहीं, जहां खड़ा चरस पी रहा था। चल अंदर। ए धक्के मत देना, ए बोल देता है धक्के मत देना। अभी तक मेरा बाप आएगा ना और तुम्हारे मुंह पर नोटों की हड्डी फेंकेगा तो कुत्तों की तरह दूम हिलाते फिरोगे तुम लोग। तुम लोगों की औकात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या बोले तुम? पुलिस की औकात की बात करता है, डाल दो उसे अंदर, अपने आप दिमाग ठिकाने में आ जाएगा। बाबा, तेरे को एक महीने का डोज फुकट में मांगता है क्या? एक महीने का डोज? हाँ, फुकट में। कौन देगा? मैं देगा। तू? हाँ हाँ, मैं। लेकिन इधर से निकलने के बाद बोल, मेरा एक काम करेगा क्या? काम? अरे डर मत यार, कोई लफड़े वाली बात नहीं, बस बाहर निकल के खाली एक फोन घुमाने का, क्या? और बोलने का रघु को इधर से बाहर नहीं निकाला ना तो सब बक डालेगा, अक्का गेम ओपन कर डालेगा। बोल, करेगा क्या? किसको फोन करना है? सुन, मैं तेरे को एक फोन नंबर देता है, ध्यान से याद रखना,
6441415। बोल 6 6 4 4 4 4 1 4 1 4 1 5 1 5। मतलब कौन सा कंप्लेन? अरे नहीं, ये क्या कहते हैं उसे हिंदी में, रॉन्ग नंबर है। क्या कहते हैं हिंदी में, रॉन्ग नंबर?